गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। अरे ब्राह्मण किधर जा रहा है, यह मार्ग किधर जा रहा है? यह मार्ग द्वारकाधीश श्री कृष्ण के महलों को जाता है। हे विप्र, तुम यहाँ कहाँ भटक रहे हो? ए भाई जानता हूँ ये मार्ग श्री कृष्ण के महलों को जाता है। मैं उनसे मिलने आया हूँ। यह द्वारकाधीश से मिलने का यह कौन सा समय है? महाराज अभी दरबार में नहीं है। अरे पंडित जी, श्री कृष्ण अपने महल के शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं। देखो देखो ये हरिदी, ये हरिदी कहाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके We'll be right back.
तो मुझे भी अब मेरी भी सुन लो, जब तक मेरा संदेश उस द्वारकाधीश तक नहीं पहुंचा था तब तक मैं ये नहीं करता, चाहे मेरे भूतकाल से प्राण ही क्यों न चले जाए। क्षमा चाहता हूँ पर कारण ही कुछ ऐसा है, द्वार पर एक ब्राह्मण स्वयं को रुक क्यों गए आगे बोलो। द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण स्वयं को आपका मित्र बताता है, आपसे मिलना चाहता है, अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा क्या कहा? सुदामा मेरा बात सच है सुदामा, मेरे बचपन का मित्र सुदामा, सुदामा मेरा मित्र सुदामा, सुदामा नाथ नाथ वस्त्र संभाले, चरण पादुका को पहनने, स्वामी स्वामी Thank you.
चले आओ, इस महल को अपना ही समझो। मेरे बाल सखा, शर्माना कैसे हो? चले आओ। रुक्मणी रुक्मणी, मेरे मित्र के स्वागत की तैयारी करो। घबराओ मत सुदामा, सिंहासन पर बैठो। नहीं नहीं, मैं आपके सिंहासन पर कभी नहीं महाराज। ये पाप मुझसे ना होगा। ये द्वारकाधीश मैं निकल नसीब का मारा तुझ ब्राह्मण आपके चरणों में कैसे हूँ तो मेरा सौभाग्य होगा। दीनानाथ सुदामा, मुझे महाराज कहकर प्रताड़ित ना करो। मैं संसार के लिए द्वारकाधीश हूँ, पर तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा बाल सखा हूँ। मुझे बचपन की तरह कृष्ण, कन्हैया या मोहन कहकर पुकारो। किसना
करना है।